बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। एक बच्ची को मार रही है। इस टीचर ने मुझे बहुत परेशान किया है, इसे अभी सबक सिखाती हूँ। एक बार की बात है, एक नागिन अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। नागिन कहती है, बेटी, स्कूल में जाकर खूब पढ़ाई करना। ठीक है मम्मी, ओके बाय। वहीं एक चुड़ैल खड़ी होकर उन दोनों को देख रही होती है। बच्ची को स्कूल छोड़कर नागिन घर की तरफ वापिस जाने लगती है। तभी अचानक से वहाँ एक ऑटो वाला आ जाता है और नागिन में टक्कर मार देता है और नागिन की वहीं मृत्यु हो जाती है। ऑटो वाला बोलता है, ये मुझसे क्या हो गया, यह नागिन तो मर गई, अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका ना तो ये गांव वाले मुझे मार ही देंगे। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से भाग जाता है। उधर स्कूल में नागिन की बेटी को उसकी टीचर होमवर्क ना करने के कारण बहुत मारती है। नागिन की बेटी रोने लगती है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद जैसे ही नागिन की बेटी घर जाती है, वह देखती है उसके घर के सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं। वह जब अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ की तो मृत्यु हो गई है। यह सब देखकर नागिन की बेटी बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। गांव वाले कहते हैं, हे बच्ची तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। बच्ची बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अगले दिन जब नागिन की बेटी स्कूल जा रही होती है, तभी वहाँ अचानक से वह चुड़ैल आ जाती है और उसे उठाकर ले जाने लगती है। नागिन की बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। चुड़ैल उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है और बोलती है, मैं तो अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब शिकार नहीं पकड़ा जाता, आज से तुम मेरा शिकार पकड़ कर लाया करोगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल नागिन की बेटी को भी एक चुड़ैल बना देती है और बोलती है, नागिन की बेटी जा मेरे लिए शिकार लेकर आ। जो आज्ञा चुड़ैल महारानी। चुड़ैल की बातें सुनकर नागिन की बेटी तुरंत गांव में जाती है और वह देखती है कि वह टीचर जो उसे खूब मारती थी, वह अभी भी स्कूल में पढ़ा रही है और एक बच्ची को मार रही है। नागिन की बेटी कहती है, इस टीचर ने मुझे बहुत परेशान किया है, इसे अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर नागिन की बेटी उससे डंडा छीनकर उसको ही मारने लगती है। टीचर चिल्लाने लगती है, अरे बदमाश लड़की, ये तू तो क्या कर रही है, अपने टीचर को मार रही है। उसकी यह बातें सुनकर नागिन की बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी टीचर को उल्टा लटका देती है। फिर वह गांव के कुछ आदमियों को पकड़ लेती है और लेकर जाने लगती है। वहीं नागिन की आत्मा उसे यह सब करता हुआ देख लेती है और बोलती है, ये मेरी बेटी को क्या हो गया, ये तो शैतान में बदल गई, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा कहकर वह बिना टाइम गवाए तुरंत साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। साधु बाबा कहते हैं, नागिन तुम घबराओ मत, तुम्हारी बेटी को उस चुड़ैल ने अपने स्वार्थ के लिए एक चुड़ैल में बदल दिया है, मैं उसे वापस इंसान में बदल दूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर वह एक जादुई डंडा प्रकट करता है और उसे नागिन को देकर बोलता है, ये डंडा तुम अपनी बेटी के सिर पर 2 बार मारना और वह वापस पहले जैसी हो जाएगी। साधु बाबा की बात मानकर नागिन वह डंडा लेकर सीधा चुड़ैल की गुफा में जाती है और वह डंडा अपनी बेटी के सिर पर मारती है और उसकी बेटी एकदम पहले जैसी हो जाती है। फिर वह डंडा चुड़ैल के पीछे पड़ जाता है और चुड़ैल घबराकर अपनी जान बचाकर भागने लगती है। नागिन की बेटी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। नागिन कहती है, बेटी अब मैं जा रही हूँ, तुम ध्यान से रहना और अपनी टीचर से जाकर माफी मांग लेना। नागिन की बेटी अपनी टीचर के पास जाती है और उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है। एक बार एक गर्भवती नागिन अपनी बेटी के साथ अपनी जान बचाकर भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे एक मैस्टिक्स वाला शैतान पड़ा होता है। नागिन अपनी जान बचाकर एक जंगल में पहुंच जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि वहां एक मिट्टी का टीला बना हुआ है। नागिन कहती है,
ये टीला हमारे रहने के लिए बिल्कुल सही है और इसके अंदर हमें जंगल के जंगली जानवर से भी कोई खतरा नहीं है। वहाँ नागिन को कुछ जंगल के जानवर मिलते हैं जो नागिन के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन चुड़ैल के दो शैतान उस जंगल में आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे भाई पैदल चल चल के तो मेरी टांग ही दर्द करने लगी, ऐसे तो चुड़ैल लोग पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा, क्यों ना हम यहाँ एक रेल की पटरी बना दें। अरे हाँ भाई, तुम बात तो सही कह रहे हो, परंतु उसके लिए हमें यह जंगल जो है वो काटना होगा। हाँ भाई, रेल की पटरी यहीं से निकलेगी, चलो जल्दी से चुड़ैल को बताते हैं और चुड़ैल की आज्ञा मिलते ही यह जंगल साफ कर देंगे। ऐसा कहकर वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। वहीं एक बाज उनकी यह बातें सुन लेता है और बिना टाइम गवाए नागिन के पास जाता है और बोलता है, अरे नागिन, क्या तुमने सुना है, यह जंगल अब कटने वाला है और यहां से एक रेल की पटरी निकलेगी जो सीधा चुड़ैल लौट जाएगी। चुड़ैल के शैतान जंगल को काटने आते ही होंगे। नागिन, भलाई इसी में है कि हम सब यहाँ से भाग जाएं और कहीं और रहने लग जाएं। नहीं, मैं ये जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुमको जाना है तो जाओ। तभी वहाँ कुछ समय बाद चुड़ैल के शैतान आ जाते हैं और वहाँ के पेड़ों को काटने लगते हैं। जंगल के सभी जानवर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी बाज जल्दी से नागिन के पास जाता है और उसे बताता है कि राक्षस अब आ गए हैं, पूरे जंगल को काट रहे हैं, अपनी जान बचाकर भागो। उसकी यह बातें सुनकर नागिन बहुत ही घबरा जाती है और बोलती है, तुम सब जंगल छोड़कर चले जाओ और मेरी बेटी को भी अपने साथ ले जाओ और इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, मैं यहीं रहूंगी। नागिन की बात मानकर बाज नागिन की बेटी को लेकर एक गांव में चला जाता है। सभी राक्षस जंगल के पेड़ों को काटकर वहां पटरी बिछाने लगते हैं। तभी वहां नागिन आ जाती है और बोलती है, दुष्ट शैतानों, तुमने सभी जानवरों का घर छीन लिया, भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। ऐसा कहकर नागिन वहां से जाने लगती है। तभी अचानक से चुड़ैल अपनी ट्रेन लेकर आ जाती है और नागिन में टक्कर मार देती है। नागिन दूर जाकर गिरती है। तभी एक साधु बाबा नागिन को देख लेते हैं और बोलते हैं, अरे यह तो नागिन है, यह चुड़ैल और राक्षस तो इसको मार देंगे, मुझे इसको बचाना होगा। ऐसा करकर साधु बाबा भागे भागे जाते हैं और नागिन को वहां से बचाकर ले आते हैं। तब नागिन साधु बाबा को सारी बात बताती है। साधु बाबा, मैं जंगल में अपनी बेटी और जंगल के सभी जानवरों के साथ रहती थी, परंतु एक दिन कुछ राक्षस आ जाते हैं और जंगल के सभी पेड़ों को काट देते हैं और सभी जानवर अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, पूरा जंगल खाली हो गया। मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं उस चुड़ैल से बदला ले सकूं। हाँ नागिन, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। ऐसा कहकर साधु बाबा नागिन को कुछ सुपर पावर देते हैं जिससे नागिन बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है और जंगल में जाकर ट्रेन के साथ साथ उसकी पटरी में भी आग लगा देती है। चुड़ैल और उसके राक्षस यह सब देखकर बहुत घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एक तालाब में पानी के नीचे एक जलपरी और उसकी बेटी रहते थे। एक दिन जलपरी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बोलती है। अपनी माँ की यह बात सुनकर जलपरी की बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वह सोचती है, क्यों ना मैं अपनी सारी किताबें जमीन में गाड़ दूं, जिससे मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा कहकर जलपरी की बेटी अपनी किताबों का बैग लेकर तालाब के किनारे जाती है और गड्ढा खोदने लगती है। जब वह गड्ढा खोद रही होती है तभी उस गड्ढे में से लाल रंग का चिराग बाहर निकलता है। जलपरी की बेटी उस चिराग को खोल देती है। अचानक उस चिराग में से भयानक चुड़ैल बाहर निकलती है। ऐसी चुड़ैल को देखकर जलपरी की बेटी बहुत ही घबरा जाती है और वह तालाब में अपनी माँ की तरफ भागती है। वह अपनी माँ से सारी बात बताती है। जलपरी कहती है, बेटी मैंने कहा था ना इधर उधर मत जाना, जिस चुड़ैल को तुमने आजाद किया है वो चुड़ैल जलपरी लोग की दुश्मन है, वो बदला लेने के लिए जलपरी लोग आती ही होगी, मैं उसे रोकती हूँ, तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ और इस तालाब से कहीं दूर चली जाओ। ऐसा कहकर जलपरी की बेटी वहाँ से चली जाती है।
तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और जलपरी पर हमला करके उसे वहीं कैद कर देती है। फिर वह जलपरी से कहती है, जलपरी बता कहाँ है तेरी बेटी। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि मेरी बेटी कहाँ है। अच्छा ऐसी बात है। ऐसा कहकर वह अपने जादू से एक शैतानी रोबोट प्रकट करती है और उस रोबोट से कहती है, मेरे शैतानी रोबोट जाओ और जलपरी की बेटी को ढूंढ कर लाओ। शैतानी रोबोट कहता है, जो आज्ञा चुड़ैल महारानी, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा कहकर वह जलपरी की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जलपरी की बेटी जब तालाब के किनारे पहुंचती है तभी वहां खड़ा एक दुष्ट मछुआरा उसे देख लेता है और कहता है, अरे वाह जलपरी की बेटी और यहाँ, जल्दी से इसे पकड़ लेता हूँ और घर ले जाकर इससे सारा काम करवाया करूंगा। ऐसा कहकर अपने जाल से वह जलपरी की बेटी को पकड़ लेता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। मछुआरा कहता है, ए जलपरी की बेटी चल मेरे लिए खाना बना। मुझे जाने दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? मुझे नहीं पता, मेरे लिए खाना बना। डरते डरते जलपरी की बेटी मछुआरे के लिए खाना बना कर लाती है। उसे खाना बनाना नहीं आता था इसलिए वह खाना थोड़ा जल जाता है। जैसे ही मछुआरा वह खाना खाता है वह बोलता है, ये खाना इतना खराब है, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। तू मेरे किसी काम की नहीं है इसलिए मैं तुझे शहर में बेच कर आऊंगा, उससे मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ऐसा कहकर मछुआरा जलपरी की बेटी को लेकर शहर की ओर चला जाता है। जैसे ही जंगल में से होकर जा रहा होता है तभी वहाँ जंगल में डाकू आ जाते हैं। डाकू मछुआरे को पकड़ लेते हैं और मछुआरे से कहते हैं, ए मछुआरे तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब हमें दे दो। मछुआरा कहता है, डाकू महाराज मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ, मेरे पास तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें नहीं पता, तुम्हारे पास जो कुछ भी कीमती चीज है वह हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मछुआरा सोचता है, यह जलपरी की बेटी मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इन्हें जलपरी की बेटी को इन डाकुओं को दे देता हूँ, परंतु मैं इन्हें फ्री में नहीं दूंगा। मछुआरा डाकू से कहता है, डाकू महाराज मेरे साथ जो जलपरी की बेटी है वह जादुई जलपरी है, इसे आप जो कुछ भी मांगोगे वह आपको दे देगी। डाकू कहता है, अच्छा ठीक है साथियों उठा लो इस जलपरी की बेटी को। मछुआरा कहता है, अरे नहीं डाकू महाराज, अगर आप इसे जबरदस्ती ले जाएंगे तो यह आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं करेगी, आप इसे मुझसे खरीद लीजिए फिर यह आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। ठीक है बताओ मुझे तुम यह जलपरी की बेटी मुझे कितने में दोगे। मछुआरा कहता है, डाकू महाराज यह कोई ऐसी वैसी जलपरी की बेटी नहीं है, इसे खरीदने के लिए आपको अपना सारा धन देना होगा। डाकू लालच के मारे मछुआरे को अपना सारा धन दे देता है। मछुआरा खुशी खुशी धन लेकर जाने लगता है तभी जलपरी की बेटी कहती है, रुको मैं अपने मालिक से अच्छी तरह मिलना चाहती हूँ। ठीक है तुम अपने मालिक से मिल सकती हो। जलपरी की बेटी मछुआरे से जैसे ही मिलती है वह मछुआरे की धन की थैली में एक छेद कर देती है। मछुआरा तो खुशी खुशी धन की थैली लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और जलपरी की बेटी को डाकू अपनी गुफा में ले जाते हैं। उधर जब मछुआरा अपने घर पहुंचता है तब तक उसकी थैली में से सारा धन गिर चुका था। ऐसा देखकर मछुआरा अपना सर पीटने लगता है। उधर रात में जब सब डाकू सो रहे होते हैं तब जलपरी की बेटी को वहाँ भागने का मौका मिल जाता है। वह वहाँ से भागने लगती है तभी वह देखती है कि डाकुओं के गुफा में एक रोबोट खिलौना पड़ा हुआ है। जलपरी की बेटी को वह बहुत पसंद आता है और वह रोबोट खिलौना उठाकर डाकुओं की गुफा से निकल जाती है और वापस तालाब की तरफ जाने लगती है। तभी वहां शैतानी रोबोट आ जाता है और जलपरी की बेटी को उठाकर चुड़ैल के पास ले जाता है। चुड़ैल जलपरी की बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने जादू से एक जादुई मशीन प्रकट करती है। फिर चुड़ैल कहती है, मेरे शैतानी रोबोट इस जलपरी की बेटी को इस जादुई मशीन में डाल दो, ये जादुई मशीन जलपरी की बेटी को एक जादुई फल में बदल देगी जिसे खाकर मैं अमर हो जाऊंगी। जो आ गया चुड़ैल महारानी। ऐसा कहकर वह शैतानी रोबोट जलपरी की बेटी को उठाकर उस मशीन में डाल देता है। जलपरी की बेटी कहती है, बचाओ बचाओ मम्मी मुझे बचाओ। जैसे ही जलपरी की बेटी मशीन के अंदर जाने वाली होती है तभी वह रोबोट खिलौना जो जलपरी की बेटी ने उठाया था वह बड़ा हो जाता है और बहुत विशाल रोबोट में बदल जाता है। फिर वह रोबोट भाग कर जाता है और जलपरी की बेटी को बचा लेता है। यह देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वह बोलती है, मेरे शैतानी रोबोट जाओ और खत्म कर दो इस रोबोट को। दोनों रोबोट में भयंकर लड़ाई होती है। अच्छा खिलौना रोबोट शैतानी रोबोट को हरा देता है और चुड़ैल को कैद कर लेता है। चुड़ैल के कैद होते ही जलपरी आजाद हो जाती है और वह अच्छे रोबोट का शुक्रिया करती है। अच्छा रोबोट कहता है, जलपरी महारानी
यह शैतानी रोबोट चुड़ैल ने हमारे रोबोट ग्रह से चुरा लिया था और इसे शैतानी बना दिया। जब मैं यहाँ इसे वापस लेने आया तो इसने मुझे खिलौने में बदल दिया। अब मैं इन दोनों को लेकर जा रहा हूँ और अपने रोबोटिक ग्रह में इसे कैद कर दूंगा। एक बार जंगल में नागिन और उसकी बेटी घूम रही होती हैं। वहीं अचानक से जंगल में कुछ शिकारी आ जाते हैं और नागिन को अपनी जेसीबी के पंजे में फंसा लेते हैं और लेकर जाने लगते हैं। नागिन की बेटी उनका पीछा करने लगती है और बोलती है, छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो, उसके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, छोड़ दो मेरी माँ को। तभी एक शिकारी नागिन की बेटी पर जाल फेंक देता है और नागिन को वहां से लेकर चला जाता है। वहीं से चुड़ैल और उसका बेटा गुजर रहे होते हैं। वह नागिन को ले जाता हुआ देख लेते हैं। चुड़ैल कहती है, अब तो इस नागिन को भगवान ही बचा सकता है इन कसाईयों से। तभी उसकी नजर जाल में फंसी नागिन की बेटी पर पड़ती है और वह सोचती है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे तो घर का काम भी नहीं होता है और काम कर कर के मेरे जोड़ों में भी दर्द होने लगा है। इस नागिन की बेटी को ले चलती हूँ और इसे नौकरानी बना लूंगी और सारा काम करवाऊंगी। ऐसा कहकर वह नागिन की बेटी के पास जाती है और उसे जाल में से तुरंत निकाल देती है। नागिन की बेटी कहती है, चुड़ैल आंटी आपका शुक्रिया, आपने मुझे आजाद किया। मेरी माँ को शिकारी ले गए हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता बताइए। चुड़ैल कहती है, अरे तुम रो मत, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। नागिन की बेटी चुड़ैल को अपनी माँ समझकर उसकी गुफा में चली जाती है। गुफा में जाते ही चुड़ैल उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, सुन नागिन की बेटी, हमें भूख लगी है, चल जल्दी से हमारे लिए खाना लेकर आ। नागिन की बेटी उनकी यह बातें सुनकर बहुत डर जाती है और जाकर उनके लिए खाना बनाने लगती है। फिर वह खाना लेकर चुड़ैल और उसके बेटे को देने जाती है। जैसे ही चुड़ैल का बेटा रोटी खाता है वह बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है, आथू माँ, ये कैसा खाना बनाया है, ये रोटियाँ तो कच्ची हैं, ये रोटियाँ तो कुत्ते भी ना खाएं, और ये रोटी ये मुझे खिलाने के लिए लाई है, मारो इसे। ऐसा कहकर वह खाना फेंक देता है। तभी चुड़ैल नागिन की बेटी को बहुत मारती है और उसे उल्टा लटका देती है और बोलती है, इतनी बड़ी हो गई अभी खाना बनाना नहीं आता, तू आज रात भर ऐसे ही उल्टी लटकी रहे। सुबह नागिन की बेटी की जब नींद खुलती है वह देखती है कि एक चारा काटने वाली मशीन है जिसे चुड़ैल का बेटा चला रहा है और चुड़ैल गांव के एक इंसान को उस मशीन में डाल रही है। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, अरे कोई तो मेरी जान बचाओ, ये लोग तो मुझे मशीन में डालकर काट देंगे। परंतु चुड़ैल उस मशीन में उसको डाल देती है। अरे मार डाला रे, कोई तो बचाओ। अभी उस मशीन की दूसरी तरफ से बहुत सारे फल निकलते हैं। नागिन की बेटी उनके पास जाती है और बोलती है, ये तुम दोनों ने क्या किया, उस आदमी को मशीन में डाल दिया और उसका फल बना के खा गए। नागिन की बेटी तू ज्यादा मत बोल, वरना तुझे भी इस मशीन में डाल दूंगी। हाँ माँ चलो, इसको भी इस मशीन में डाल देते हैं और इसके भी फल बनाकर खा जाएंगे, वैसे भी यह किसी काम की नहीं है। उनकी बातें सुनकर नागिन की बेटी बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। परंतु चुड़ैल उसको पकड़ लेती है और मशीन के पास ले आती है। नागिन की बेटी चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, इस चुड़ैल के कहर से मुझे कोई तो बचाओ। तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। वही नागिन जो जेसीबी के पंजे में फंसी हुई थी शिकारियों के सोते ही उस पंजे में से खुद को आजाद कर लेती है। लगता है मेरी बेटी खतरे में है, और तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है और अपनी शक्तियों से उसे बचा लेती है और वह उस मशीन में आग लगा देती है। मशीन भस्म होते ही वहां एक मैस्टिक्स वाला शैतान प्रकट हो जाता है और नागिन से कहता है, नागिन तुमने मुझे आजाद कर दिया, बरसों से इस चुड़ैल ने इस गुफा पर राज करने के लिए मुझे एक मशीन में बदल दिया था, अब मैं इस चुड़ैल से अपना पुराना हिसाब बराबर करूंगा। ऐसा कहकर वह चुड़ैल और उसके बेटे को मार मार कर भगा देता है। एक बार एक घने जंगल में एक गर्भवती इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी के साथ रहती थी। तभी अचानक से गर्भवती जादुई नागिन के पेट में कुछ हलचल होती है
और वह उठकर खड़ी हो जाती है और चलने लगती है। तभी पिंकी उससे पूछती है, अरे माँ क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों उठ गई? आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, मेरे पेट में जो बच्चा है उसे बहुत भूख लगी है और वो पेट में लात मार रहा है। मैं उसे खाना खिलाकर अभी आती हूँ। माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं बेटी, तुम यहीं घर पर रहो, मैं अभी जाकर अभी आ जाऊंगी। माँ जंगल में बहुत सारे शिकारी जानवर हैं, तुम बहुत ध्यान से जाना। ठीक है बेटी, मैं ध्यान रखूंगी। इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को समझाती है और खुद जंगल की तरफ खाने की तलाश में निकल पड़ती है। जैसे ही वह जंगल पहुंचती है उसके पेट में बहुत तेज हलचल होने लगती है। वह बोलती है, अरे बेटा थोड़ा सब्र रखो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढती हूँ। इच्छाधारी नागिन खाना ढूंढते ढूंढते एक आम के पेड़ के पास पहुँच जाती है। वह देखती है कि उस पेड़ पर तो बहुत ही रसीले आम लगे हुए हैं। वह जल्दी से कुछ आम तोड़ लेती है और उन्हें खा लेती है और बोलती है, अरे वाह कितने रसीले आम हैं, इन्हें मैं अपनी बेटी के लिए भी ले चलती हूँ। ऐसा कहकर वह कुछ आम तोड़कर अपने पास रख लेती है और वापस घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी रास्ते में अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह आज तो खाने के लिए इच्छाधारी नागिन मिल गई, आज तो मजा ही आ जाएगा। इच्छाधारी नागिन आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगी। हे चुड़ैल बहन मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ और जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और मेरी बड़ी बेटी घर पर इंतजार कर रही है, इसलिए कृपा करके मुझे छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम, मुझे छोड़ दो और जाने दो। इच्छाधारी नागिन की यह बात सुनकर चुड़ैल को उस पर दया जाती है और वह बोलती है, तुम पर नहीं परंतु तुम्हारे बच्चों पर मुझे दया आ रही है, इसलिए तुम्हें मैं तुम्हारे बच्चों के लिए छोड़ रही हूँ, परंतु मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं इसका क्या करूँ? बहन मेरे पास रसीले आम है, तुम चाहो तो इसे खा लो। अरे बहन ये तो बहुत ही रसीले आम है, तुम्हें ये कहाँ से मिले? जंगल के बीचों बीच एक विशाल आम का पेड़ है, मैंने ये आम वहीं से लिए हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। उसकी यह बातें सुनकर चुड़ैल आम के पेड़ की तरफ निकल पड़ती है। चुड़ैल आम के पेड़ के पास जाकर रसीले आम खाती है और वह आम उसे बहुत अच्छे लगते हैं। वह बोलती है, नागिन बहन जिस तरह तुमने मेरी मदद की है उस तरह मैं एक ना एक दिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उधर इच्छाधारी नागिन अपने घर की तरफ जा रही होती है, उसे जंगल में अकेला जाता हुआ एक शैतान देख लेता है। वह शैतान बोलता है, अरे वाह आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है, मैं अभी इसका शिकार करता हूँ। तभी वह एक भयानक शेर में बदल जाता है और इच्छाधारी नागिन के सामने आ जाता है। उसको देखकर इच्छाधारी नागिन बहुत घबरा जाती है और उस शेर से बोलती है, शेर मुझे छोड़ दो, मैं एक गर्भवती इच्छाधारी नागिन हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो। इच्छाधारी नागिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर मेरी बेटी मेरी घर पर राह देख रही है और मैं गर्भवती भी हूँ, जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, तुम्हें इसका पाप लगेगा। शेर बहुत सोचता है और गर्भवती इच्छाधारी नागिन से बोलता है, परंतु मैं तो बहुत भूखा हूँ, मैं कैसे अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर मुझे अभी जाने दो, मैं एक बार अपने बच्चे को जन्म दे दूं, फिर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी और तब तुम मुझे खा लेना। शेर को उस पर दया जाती है और बोलता है, ठीक है इच्छाधारी नागिन जाओ, परंतु अपना वादा मत भूलना।
मैं अपना वादा नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली जाती है और अपनी बेटी को मीठे फल खिलाती है। कुछ ही समय बाद इच्छाधारी नागिन एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है। फिर इच्छाधारी नागिन को अपना वादा याद आ जाता है और वह अपनी बेटी को सारी बात बताती है। बेटी ये लो, अपने भाई का ख्याल रखना, मुझे शेर के पास जाना ही होगा। माँ आपकी जगह मैं शेर के पास जाऊंगी, आपका वादा मैं पूरा करूंगी। ऐसा कहकर वह दोनों रोने लगती हैं। वहीं पास में खड़ी चुड़ैल उनकी बातें सुन लेती है। वह इच्छाधारी नागिन के पास आती है और कहती है, बहन तुम घबराओ मत, जिस तरह तुमने एक बार मेरी मदद की थी आज मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारी जगह मैं शेर के पास जाऊंगी। ऐसा कहकर वह आम पर अपनी शक्तियों का वार करती है। वह आम देखते ही देखते इच्छाधारी नागिन में बदल जाता है। वह चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को शेर के पास लेकर जाती है और बोलती है, शेर ये लो, वादे के मुताबिक इच्छाधारी नागिन तुम्हारे पास आ गई, लो इसे खाकर अपनी भूख मिटाओ। शेर बहुत दिनों से भूखा था और इच्छाधारी नागिन को देखकर उस पर टूट पड़ता है और उसे खाने लगता है। तभी इच्छाधारी नागिन फिर से एक आम में बदल जाती है। शेर को वह आम खाकर बहुत मजा आता है। वह चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल तुमने मेरे साथ धोखा किया, परंतु ऐसा रसीला आम मैंने जिंदगी में नहीं खाया, इससे तो मेरी पूरी भूख मिट गई। जाओ मैंने तुम्हें माफ किया और इच्छाधारी नागिन को भी छोड़ दिया। एक बार की बात है, कुछ लुटेरे अपने घोड़ों पर सवार होकर जलपरी के तालाब पर हमला कर देते हैं और जलपरी की नन्ही सी बच्ची को उसके हाथों से छीन लेते हैं। साथियों हमारा काम हो गया, अब चलो। ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगते हैं। जलपरी कहती है, अरे छोड़ दो मेरी बच्ची को, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? माँ माँ मुझे इनसे बचाओ, बचाओ मुझे। तभी एक लुटेरा उस जलपरी को मारकर वहीं घायल कर देता है और वहां से सब के सब चले जाते हैं। और वहां से निकलकर वो सब एक गांव में पहुंचते हैं। वहां से एक ट्रेन गुजर रही होती है। असल में उस ट्रेन को एक चुड़ैल चला रही होती है और ट्रेन के दरवाजों पर चुड़ैल के गुलाम लटके हुए होते हैं। जैसे ही एक लुटेरा पटरी पार करने की कोशिश करता है, ट्रेन उसके ऊपर चढ़ जाती है और वह वहीं घायल हो जाता है। लुटेरा कहता है, ए, आँख की अंधी है क्या, देख के नहीं चला सकती? साथियों मारो इनको। तभी चुड़ैल के राक्षसों और लुटेरों में लड़ाई हो जाती है। लुटेरे अपनी तलवार से सभी राक्षसों को वहीं घायल कर देते हैं। हमसे पंगा लेने आए थे। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, लुटेरो तुमने ऐसा करके अच्छा नहीं किया, और तुम इस जलपरी की बेटी को लेकर कहां जा रहे हो, इसे मुझे दे दो। लुटेरा कहता है, चुड़ैल चुपचाप यहां से चली जा, वरना तेरा भी वही हाल करेंगे जो इन राक्षसों का किया है। उसकी यह बातें सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह सभी लुटेरों की मुंडी वहीं तोड़ देती है। लुटेरों का सरदार अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी चुड़ैल उसकी एक टांग तोड़ देती है और उसे लंगड़ा बना देती है। वह जलपरी की बेटी को अपनी गोद में उठा लेती है और बोलती है, अरे ये तो जलपरी की बेटी है, ये तो कितनी सुंदर है, इसे तो मेरे पास होना चाहिए, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ऐसा कहकर वह जलपरी की बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। लुटेरा कहता है, अरे तुम कहाँ लेकर जा रही हो इसे, इसे तो मैंने पकड़ा है। यह सब देखकर
लुटेरे को बहुत पछतावा होता है और वह बोलता है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। जलपरी की बेटी को तो चुड़ैल उठा ले गई। मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मुझे इसे तुरंत बचाना होगा। मुझे तुरंत यह बात जलपरी को बतानी होगी। ऐसा कहकर वह जैसे तैसे जलपरी के पास जाता है और बोलता है, हे जलपरी, बाहर निकलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वही मैस्टिक्स वाला शैतान छुपा होता है और लुटेरे की आवाज सुनकर उसे तुरंत पकड़ लेता है और लेकर भागने लगता है। तभी एक बड़ी मछली मैस्टिक्स वाले शैतान को वहीं निगल जाती है और उस लंगड़े को बचा लेती है। फिर लंगड़ा जलपरी से कहता है, हे जलपरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपकी बेटी को तो वह चुड़ैल मुझसे छीन कर ले गई। जलपरी कहती है, मेरी बच्ची को उसके चंगुल से बचाना होगा, परंतु ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए हमें एक योजना बनानी होगी। ऐसा कहकर जलपरी एक माचिस का घेरा बनाती है और वह उस लुटेरे को सब समझा देती है। लंगड़ा चुड़ैल के पास जाता है और वहां जाकर देखता है, चुड़ैल जलपरी की बेटी को मशीन में डाल रही होती है। तभी लंगड़ा कहता है, अरे चुड़ैल की महारानी, रुक जाइए, इसे मशीन में मत डालिए। एक जलपरी की बेटी का आप क्या करेंगे। वहां तालाब में एक और जलपरी की बेटी कैद है, जिसे सिर्फ आप ही निकाल सकती हैं। चलो मुझे जल्दी से वहां ले चलो। लंगड़े की बात मानकर चुड़ैल फटाफट तालाब के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि यहां तो सच में एक माचिस के घेरे में जलपरी की बेटी कैद है। जैसे ही वह उस माचिस के घेरे में जाती है, वह देखती है कि वहां कोई जलपरी की बेटी नहीं है, वह तो बस एक छलावा है। तभी वहां जलपरी आती है और माचिस के घेरे में आग लगा देती है। चुड़ैल कहती है, मेरे साथ धोखा हुआ है, बचाओ मुझे कोई, और वहीं मरकर भस्म हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक बाबा अपना ढाबा चलाया करते थे। तभी उनके ढाबे पर शहर से एक लड़का आता है और जब वह उनके ढाबे का खाना खाता है, उस लड़के को उस बाबा के ढाबे का खाना बहुत अच्छा लगता है। तभी वह अपने फोन से एक वीडियो बनाता है और बोलता है, हेलो गाइस, आज हम हैं बाबे के ढाबे पर। इस बाबे के ढाबे का खाना बहुत अच्छा है, आप भी आओ और इस खाने का स्वाद लो। ऐसा कहकर वह लड़का वहां से चला जाता है और वह वीडियो वायरल हो जाती है और सभी गांव के लोग उस बाबा के ढाबे पर खाना खाने आ जाते हैं। वही वीडियो एक डायन के पास भी चली जाती है। तभी वह अपने फोन से एक वीडियो बनाता है और बोलता है, हेलो गाइस, आज हम हैं बाबे के ढाबे पर। इस बाबे के ढाबे का खाना बहुत अच्छा है, आप भी आओ और इस खाने का स्वाद लो। डायन भी वह वीडियो देखकर तुरंत बाबा के ढाबे पर आती है, परंतु बाबा उसे खाना खिलाने के लिए मना कर देते हैं और वह चुड़ैल उस बाबा को मार देती है और वहां से चली जाती है। एक इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। इच्छाधारी नागिन मजदूरी का काम किया करती थी। एक दिन इच्छाधारी नागिन अपने सेठ के पास जाती है। सेठ उससे कहता है, सुनो नागिन, आज से मैं अपना काम बंद कर रहा हूँ। ऐसा करो, तुम कोई दूसरा काम देख लो और कल से यहाँ मत आना। सेठ जी, मुझे अब दूसरा काम कहाँ मिलेगा। मेरी एक छोटी बच्ची है, मैं उसका पालन पोषण कैसे करूँगी। मुझे नहीं पता, तुम अपना देख लो। सेठ की यह बात सुनकर इच्छाधारी नागिन बहुत दुखी होती है और वापिस अपने घर आ जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, मैं अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे करूँगी। इस गांव में तो दूसरा कोई काम भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। माँ, क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों है। क्या बताऊँ बेटा, जहाँ मैं मजदूरी करने के लिए जाती थी, वहाँ पर सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया, अब मैं क्या करूँ। माँ, आप तो भगवान की कितनी पूजा करती है, वह जरूर आपकी मदद करेंगे। हाँ बेटी, अब तो भगवान का ही सहारा है। माँ, आपको तो कितना अच्छा खाना बनाना आता है, क्यों ना हम कोई ढाबा किराए पे ले ले। तुम सही कह रही हो बेटी, परंतु हमें ऐसा ढाबा मिलेगा कहाँ। माँ चलो, हम शहर की तरफ चलते हैं, हमें कोई ना कोई ढाबा जरूर मिल जाएगा। यह कहकर दोनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। शहर जाते ही उन्हें एक बहुत ही सुनसान रास्ता मिलता है। उस रास्ते पर उन्हें एक ढाबा दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है, बाबा का ढाबा, नागिन की बेटी कहती है।
माँ वह देखो, वहाँ एक ढाबा है और वह बिल्कुल वीरान है। क्यों ना हम इसके मालिक से यह ढाबा किराए पर ले लें? हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं। वह दोनों ढाबे पर जाती हैं और आवाज लगाती हैं। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा होता है। बूढ़ा आदमी उन दोनों से कहता है, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा मैं यहाँ इस ढाबे के मालिक की तलाश में हूँ। अरे बेटा, यह बाबा का ढाबा तो बहुत पुराना है, इसे तो एक बूढ़े बाबा चलाते थे और उनके साथ उनकी एक बेटी भी रहती थी, परंतु कई साल पहले उस बाबा की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसकी बेटी का कोई भी अता पता नहीं है। तुम चाहो तो इसे चला सकती हो। ऐसा कहकर वह बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी ढाबे की सफाई करती हैं और उसे चलाने लगती हैं। नागिन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी और लोग वहाँ पर आकर खाना खाते थे और इच्छाधारी नागिन को पैसे भी देते थे। अरे वाह, यह खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा खाना तो मेरी बीवी भी नहीं बनाती। कितना अच्छा खाना बनाती हो तुम, आज से मैं रोज यही खाना खाने आया करूँगा। जल्दी ही रात हो जाती है। जब इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी सो रही होती हैं, तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और नागिन की बेटी को उठाकर ले जाने लगती है। नागिन की बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ मम्मी, मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे लेकर जा रही है। तभी इच्छाधारी नागिन की आँख खुलती है और वह अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ती है। छोड़ दो मेरी बेटी को, कहाँ ले जा रही हो चुड़ैल? ये मेरे बाबा का ढाबा है, मैं इस ढाबे पर किसी को नहीं रहने दूंगी। तभी चुड़ैल एक पिंजरा प्रकट करती है और नागिन को उसमें ही कैद कर देती है। तभी वहाँ एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं। वह नागिन को देखकर बोलते हैं, अरे बेटी तुम क्यों रो रही हो? बाबा मैं रात में अपनी बेटी के साथ बाबा का ढाबा चला रही थी, परंतु रात को एक चुड़ैल आई और मेरी बेटी को उठाकर ले गई, अब मैं क्या करूं? बेटी, वह चुड़ैल उस ढाबे के बाबा की बेटी है जिसका वह ढाबा था। उस बाबा की मृत्यु के बाद उसकी बेटी को किसी ने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और वह भूख प्यासे तड़प कर मर गई और एक चुड़ैल में बदल गई। परंतु उसे अपने बाबा का ढाबा से बहुत प्यार था, इसलिए कोई भी अगर उसके ढाबे पर आता है तो वह चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती। परंतु बाबा, मेरी बेटी को बचाने का कोई तो उपाय होगा। हाँ बेटी, उस चुड़ैल की मुक्ति का समय अब आ चुका है। ऐसा कहकर साधु बाबा अपनी शक्तियों से एक जादुई डंडा प्रकट करते हैं और इच्छाधारी नागिन से कहते हैं, यह लो बेटी, यह जादुई डंडा है, यह तुम लेकर जाओ और उस चुड़ैल के सिर पर दो बार मारो और उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी और तुम्हारी बेटी आजाद हो जाएगी। साधु बाबा की बात मानकर नागिन वह डंडा लेकर उसी ढाबे पर जाती है जहां उसकी बेटी को चुड़ैल ने कैद किया था। वहां जाकर इच्छाधारी नागिन चुड़ैल के सिर पर वह डंडा दो बार मारती है। डंडा लगते ही चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो जाती है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वह इच्छाधारी नागिन का धन्यवाद करती है और कहती है, इच्छाधारी नागिन, मैं ये ढाबा तुम्हें देती हूँ, तुम इस ढाबे का ख्याल रखना।